हाँ भाई, ये तो क्या चल रहा है, चिल में हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर गाइस एंड मशर्स बॉयलेस एंड वॉशरूम्स। आज हम लोग गाइस, आज हमको ना एक ऐसा बेस मिला है और आज हम लोग कॉपी करने वाले दुनिया के बेस्ट इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैकर को इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ गाइस आज हम लोग अटैक करने वाले। तो चलेंगे डायरेक्ट गेम के अंदर। एंड हाँ, चल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो भाई, मत भूलो। क्या कर रहे हो यार, देवदास बन जाऊंगा मैं, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, हमारी यहाँ पे मैच लग चुकी है नो चांस आइस के साथ और मैं नंबर 5 पे अटैक करने वाला हूँ। नंबर 5 पे गाइस हम लोगों को देखो ऐसा वाला बॉक्स बेस मिला है और हम लोग इस बेस के ऊपर 7 इलेक्ट्रो ड्रैगन्स के साथ गाइस अटैक करने वाले हैं। ओके गाइस, स्टार्टिंग में सबसे पहले आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा इतने स्नीकी गॉब्लिंस देख के कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ओके भाई साहब, बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस हमारे यहाँ पे। चलो भाई, चलो कुछ नहीं तो अच्छी बात है, बहुत सारे स्नीकी गॉब्स आएंगे और इनविस पे आएगी। चलो गाइस, टाउन हॉल डाउन हो जाएगा। एक बलून, इलेक्ट्रोज, बलून्स, बुढ़ा, स्टोन स्लैमर। ओके चलो भाई, ये चीजें कर दी हम लोगों ने स्टार्टिंग में। किंग आएगा, क्वीन आएगी, एक फ्रीज, बाप रे टोर्नेडो। ओके कम ऑन मैन, रेज आएगी यहाँ पे। चलो भाई, रेज के अंदर वैल्यू निकालो। ओके चलो भाई, ठीक है भाई। क्वीन मर गई मेरी, हद है भाई, क्वीन कैसे मर गई यार। कोई बात नहीं, अभी भी 4 फ्रीज है गाइस अपने पास, देखते भाई क्या होता है। होपफुली रॉयल चैंपियन निकाल ले भाई, एक पॉइजन भी बच चुका है। कम ऑन मैन, फ्रीज आएगा। ओके अभी भी 3 फ्रीज है, एक पॉइजन यहाँ पे, एक फ्रीज। अभी इसको गाइस कंटिन्यूअसली अपने को फ्रीज करना पड़ेगा आर से बचाने के लिए। वापिस एक फ्रीज, कम ऑन, वापिस एक फ्रीज। गाइस दिस इज ए खत्म बेस, आर से एबिलिटी उड़ गया गाइस, ये बेस खत्म है। चलो भाई, इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ हो गया भाई। इलेक्ट्रो ड्रैगन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे स्नीकी गॉब्लिंस यूज करे टाउन हॉल टेक डाउन करने के लिए। क्यों दिमाग लगाना है भाई। जब सिंपल आर्मी से अगर बेस उड़ रहा है तो ज्यादा दिमाग काहे लगाए भाई। सिंपल था ये वाला अटैक हमारा, स्टार्टिंग में हम लोगों ने सिंपली टाउन हॉल ले लिया स्निकीज के साथ, पीछे से घुस गए, फट गए भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन के साथ, हो गया ट्रिपल। तो ये हो गया गाइस हमारा 3-स्टार अटैक इस बेस के ऊपर। चलो भाई ठीक है, सिंपल बेस था, इजी बेस था और ये हो गया 3-स्टार। अभी देखते हैं हमारे टीममेट क्या करते हैं। ओके हमारी साइड से दूसरा अटैक चालू हो चुका है, एजाज भाई आ चुके हैं। भाई साहब ये बेस लेआउट तो खतरी लग रहा है भाई, एकदम डेंजर बेस लेआउट लग रहा है, देख के ही भाई मेरे हाथ कांप रहे भाई इस बेस के ऊपर। एजाज भाई तो भाई देखते हैं यार क्या कर सकते हैं, हाइड्रा आर्मी के साथ अटैक तो कर रहे हैं और मेरे को लग रहा है गाइस ये फेल होने के चांसेस है इस बेस के ऊपर, देखते पर अब देखते क्या होता है। ओके ब्लिंप डाल दी इन्होंने, पहली रेड स्पेल आ चुकी है, बुड्ढे की अर्ली एबिलिटी मार दी। बार्बेरियन किंग बेस के बाहर से, क्वीन अंदर घुस चुकी है यार, एक स्केलेटन स्पेल एनिमी बार्बेरियन किंग के ऊपर डिप्लॉय करा गया है। ओके क्लोन कर दिया, क्लोन के अंदर वैल्यू मिलेगी क्या, ठीक है भाई एक इनको एक्सबो मिल चुका है। हाँ पर इनकी आर्मी गायब सी हो गई है भाई, भटक गई है। अभी भी 2 फ्रीज है इनके पास, क्वीन की एबिलिटी यूज हो चुकी है, क्वीन बच गई भाई, एजाज भाई की क्वीन बच गई, रॉयल चैंपियन को भी डिप्लॉय कर दिया है। अभी भी 2 फ्रीज स्पेल्स है, किंग की एबिलिटी है, क्या इधर से इसको ट्रिपल में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या। कोई वॉल ब्रेकर भी नहीं है इनके पास, एक हेड हंटर है, एनिमी क्वीन के ऊपर फ्रीज कर दिया। बाप रे एनिमी क्वीन को मारना पड़ेगा भाई, क्वीन मारो मारो भाई मारो मारो, मार दिया भाई, इनकी एबिलिटी मार दी। चलो सही है, आरसी के पास एबिलिटी बच चुकी है,
ओ फ्रीज कर दिया इधर, जिससे कि क्वीन बचा सके, लेकिन नहीं बचा पाएंगे ज्यादा टाइम तक, नहीं बचा पाए भाई, मर गई क्वीन। रॉयल चैंपियन की हेल्थ देख रहे हो गाइस, और ये घोड़ा हील कर रहा है भाई रॉयल चैंपियन को, अच्छी बात है। कम ऑन, इधर दो बेबी इन्फिर्नो ड्रैगन है कि एक है, एक ही है गाइस, एक बेबी इन्फिर्नो ड्रैगन है। ओके ऊपर ये साइड से कुछ आर्चर्स डाले एयर डिफेंस के ऊपर, उड़ गया क्या ये गाइस? दिस इज अ खत्म बेस गाइस, ये तो उड़ गया भाई, ये तो उड़ा ले गए भाई, ट्रिपल मार दिया इस बेस पे। चलो मैं बहुत टाइम के बाद 3 स्टार आया एजाज भाई का। ओके चलो गाइस ये हो गया एजाज भाई का इधर 3 स्टार अटैक, अच्छी बात है भाई, बहुत टाइम के बाद मारा, आके तरस गई थी भाई देखने के लिए 3 स्टार इनके साइड से। तो भाई फिलहाल स्कोर तो भाई लीड में चल रहे हैं हम लोग, एनिमी के साइड से 2 में 5 हुए हैं, मतलब ज्यादा भी पीछे नहीं है एनिमी टीम यहाँ पे, ठीक है भाई पीछे है, अभी 2 में 6 हो चुके हैं, मन्ना भाई साहब आ चुके हैं नंबर 1 के ऊपर। रिंग बेस है सेंट्रल टाउन हॉल वाला, सेंट्रल टाउन हॉल वाले बेस के ऊपर हाइब्रिड थोड़ा मुश्किल पड़ता है, और देखते मन्ना भाई साहब का अटैक। इधर से भाई टेस्ला फार्म पूरा ट्रिगर कर डाला, एयर स्केलेटन्स भाई साहब आ चुके इधर ढेर सारे, पूरा का पूरा टेस्ला फार्म क्वीन के साथ मिल जाएगा तो अच्छी बात है। देखते भाई इनका हाइब्रिड का पाथ कैसा रहता है, क्योंकि हाइब्रिड ESL टाइप के बेसिस के ऊपर तो देखे जो अलग अलग कंपार्टमेंट वाले बेस होते हैं ना, पूरा अलग डिजाइन, ऐसे रिंग या बॉक्स टाइप के बेसिस के ऊपर अलग टाइप की स्ट्रेटजी काम करती है। फॉर एग्जांपल इस बेस के लिए सुपर बॉलर इलेक्ट्रो ड्रैगन सबसे बेस्ट है करने के लिए, लेकिन भाई बंदा कर रहा है हाइब्रिड के साथ तो देखते हैं, कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। चलो क्वीन के साथ ईगल मिल जाए तो मस्त बात हो जाएगी। इधर भाई ग्रैंड वार्डन बहुत ज्यादा ही डैमेज दे रहा है भाई क्वीन को, ग्रैंड वार्डन के पास जब क्वीन जाती है भाई डर सा लग जाता है, अचानक से डैमेज बढ़ जाता है क्वीन के ऊपर और पता भी नहीं चलता क्वीन की एबिलिटी कब चली गई, मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है। लेकिन चलो मन्ना ने इधर क्वीन की एबिलिटी बचा ली, वापस रेश डाल दिया और ईगल डाउन होते ही गाइस मन्ना हाइब्रिड चालू कर देता है, हमेशा ईगल डाउन हुआ नहीं कि हाइब्रिड चालू। बार्बेरियन किंग मस्त काम कर रहा है, क्वीन भी अपना मस्त काम कर रही है, सीसी को तो भाई बंदा इग्नोर मारता है भाई, इज्जत ही नहीं देता भाई, बिल्कुल इज्जत नहीं देता सीसी को, पूरा इग्नोर, कुछ भी रहन दो भाई, कुछ भी तुम विच रखो, तुम मैस हेडहंटर रखो, तुम लावा रखो, सुपर मिनियन रखो, कुछ भी रखो, सीसी को इज्जत कभी नहीं देता मन्ना, पूरा इग्नोर मार के चलता है सीसी। वो सीसी को ना कैसे समझता है पता है मन्ना, वो सीसी को एक डिफेंस बिल्डिंग की तरह समझता है कि हाँ सीसी नाम की कोई चीज है उसको मारना भी है मेरे को, वैसा नहीं, अंधा घुस जाओ भाई मेन आर्मी निकाल लेगी जो होगा देखा जाएगा, और मेन आर्मी के अंदर क्या होता है सीसी को मारने के लिए रॉयल चैंपियन होती है और बुड्ढा होता है बस, उसको छोड़ के कुछ नहीं होता भाई, और एक पॉइजन। ये तो उड़ा ले गया भाई मन्ना, ये बार्बेरियन किंग कर क्या रहा है मन्ना का, कोर में क्या कर रहा है भाई, इसको डाला किधर था तू, कोर में क्या कर रहा है भाई, और एबिलिटी भी बची है बार्बेरियन किंग के पास, गजब भाई ये बार्बेरियन किंग पगला गया सठिया गया है भाई, कोर में क्या कर रहा था ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया भाई, इसको डाला किधर था, ये गया किधर, लोल गाइस खतरनाक सीन है। एक एनिमी बच चुकी है, ये ट्रिपल है गाइस, तो हमारी साइड से पहले तीनों के तीनों अटैक लग चुके हैं 3 स्टार, चलो अच्छी बात है भाई। अब देखते हैं 2 अटैक्स बच चुके हैं गोइल और तैयब भाई, 2 अटैक्स, काफी ज्यादा आर्मी बची है भाई, काफी ज्यादा अमाउंट में आर्मी बची है गोइल की, आई मीन मन्ना की। ओके 3 में स्कोर हो चुका है गाइस 9 स्टार्स। चलो भाई गोहिल का अटैक देख लेते हैं, नंबर 3 के ऊपर गोहिल कर रहा है अटैक और इधर कर रहा है, अरे गोहिल भी यहाँ पे हाइब्रिड ही कर रहा है गाइस, और गोहिल भी ईगल आर्टिलरी के साइड से ही कर रहा है। अब देखो गाइस इधर ना गोहिल रेगुलरली नहीं करता है हाइब्रिड, अगर बेस उसके रडार वाला बेस मिला कि उसको लग रहा है कि हाँ हाइब्रिड से उड़ जाएगा तभी करता है, वरना मन्ना की तरह हर अटैक हाइब्रिड के साथ नहीं करता। तो अब आप लोगों ना डिफरेंस क्लियरली पता चल जाएगा मन्ना के हाइब्रिड में और गोहिल के हाइब्रिड में और सुमित 007 के हाइब्रिड में, हालांकि अभी फिलहाल तो मैंने किया नहीं है लेकिन स्टिल आप लोग मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि ये किसका हाइब्रिड है। मन्ना क्या करता है ना, जैसे ही मन्ना को ईगल मिलता है मन्ना तुरंत अपनी आर्मी चालू कर देता है, लेकिन गोहिल का वैसा नहीं है गाइस, गोहिल ना बहुत वेट करता है, आई डोंट नो व्हाई। मन्ना का अगर हाइब्रिड देखा होगा आपने तो लिटरली मन्ना के हाइब्रिड
जब ट्रिपल होता है तब लिटरली 50 सेकंड से लेके 1 मिनट का टाइम बच जाता है। लेकिन गोहिल देखो गाइस, 1 मिनट हो चुका है क्वीन चार्ज करते हुए, 17% की वैल्यू निकाली है, अभी तक मेन आर्मी डिप्लॉय नहीं करी है ईगल डाउन होने के बावजूद, ठीक है, अभी भी वेट कर रहा है भाई बंदा जी। ये कभी कभी हाइब्रिड करने वाले में और रोज हाइब्रिड करने वाले में बहुत फर्क होता है। ये देखो, ये कभी कभी हाइब्रिड करता है, ऐसा नहीं कि ट्रिपल नहीं करता, करता है भाई बंदा, ट्रिपल करता है। 1.5 मिनट के अंतराल पे इसने चालू कर दिया अपना हाइब्रिड आर्मी, और माइनस देखो डाले कैसे है भाई इसने, ठीक है, माइनस डालने का तरीका भी अलग है। पूरी आर्मी कोर में पुश हो चुकी है किंग और एसबी के ड्रॉप बेस के बाहर, मतलब जो मेन हाइब्रिड का प्रिंसिपल है वो चीज तो फॉलो कर रहा है भाई गोहिल, कि बेस के बाहर किंग और एसबी और बेस के कोर में पूरी मेन आर्मी और एक साइड पे क्वीन, ये चीज तो बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन टाइम देखो गाइस, 1 मिनट के अंदर गोहिल को ऑलमोस्ट 50% की वैल्यू निकालनी है, तो ना लेट कर दिया गोहिल ने, चीजें तो सही जा रही थी सारी पर लेट कर दिया बंदे ने। इनवे डाल दी इधर, टाउन हॉल निकाल लिया, हील नहीं बची है भाई, किंग की एबिलिटी बच चुकी है, क्वीन मर चुकी है भाई। लो गाइस, क्वीन की एबिलिटी जो स्टार्टिंग में यूज हो चुकी थी ना वहां पे, वो एक्चुअली यूज नहीं होनी चाहिए थी, मतलब गोहिल को बचानी चाहिए थी एबिलिटी रेज वगैरह डाल के, इनवी डाल के, वो गलती कर दी क्वीन। अगर यहाँ पे जिंदा रहती और वैल्यू मिल सकती थी। अब ये वाला अटैक गाइस फंस चुका है, फंस क्या, फेल ही हो चुका है ऑलमोस्ट। तो भाई तुरंत डिफरेंस पता चल जाता है जो रोज अटैक करता है और जो रोज अटैक नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मेरे इलेक्ट्रो ड्रैगन के अंदर भी मैं रोज नहीं करता, कभी तो मेरे को बेस मिला तो मैं कर लेता हूँ, जैसे कि आज किया। और मेरे अटैक में सबसे बड़ी गलती क्या हो गई पता है, क्वीन मेरी मर गई, पता नहीं कैसे मर गई, मैंने देखा भी नहीं, वो क्वीन मेरी मरनी नहीं चाहिए थी, वो मेरी एक गलती हो गई। तो 95% गोहिल का यहाँ पे अटैक हो चुका है। चलो भाई ठीक है, 4-11 गाइज। वैसे मैच तो हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं, 4-9 हो चुके हैं एनिमी के और हमारे 4-11 हो चुके हैं। और तैयब भाई गाइज इस वाले बेस के ऊपर आ चुके हैं क्वीन चार्ज बलून्स के साथ, ठीक है। ये क्वीन चार्ज बलून, ये बंदा बहुत तगड़ा करता है, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं फिलहाल इस बेस के ऊपर तैयब भाई, क्योंकि फ्लेम फ्लिंगर भी डाला है और क्वीन को भी डाला है, अभी तक हिलर्स डिप्लॉय नहीं करी है। ओके कर दी हिलर्स डिप्लॉय। और ये जो एयर डिफेंस है गाइज, ये वॉकेबल है, वॉल के बाहर से क्वीन इजिली एयर डिफेंस को ले पाएगी, ठीक है। तो ये चीज है भाई, नोटिस करके अटैक चालू किया है तैयब भाई ने यहाँ पे, और एक्सबो यहाँ पे लॉक्ड है, तो सवाल ही नहीं बनता कि एक्सबो इधर फ्लेम फ्लिंगर को टारगेट करे। अगर इनवी डाल दिया क्वीन के ऊपर तो भाई टारगेट कर लेगा, लेकिन क्वीन पहुंच चुकी है। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, ऐसा लगा था कि क्वीन जाएगी टाउन हॉल पे, लेकिन नहीं यार, आई वॉज रॉन्ग। ये वॉल ब्रेकर किधर जा रहा है, अरे चली गई भाई क्वीन टाउन हॉल पे चली गई, और फ्लेम फ्लिंगर को बचाने के लिए तो ये भाई को इधर लेना चाहिए था एक वैल्करी स्केलेटन्स को मारने के लिए। चलो ठीक है, टाउन हॉल को टेक डाउन कर रही है क्वीन, अच्छी बात है, फ्लिंगर भी एकदम ओपी वैल्यू निकाल रहा है। टाउन हॉल डाउन कर लिया, सिंगल धर लिया भाई, मेरे को ये समझ नहीं आया, सिंगल टाउन हॉल के पॉइजन में क्वीन जा रही है और सिंगल के सामने से क्वीन चार्ज कर रहे, दिक्कत तो आएगी, पहले इन्वेस्ट होगी गाइस बहुत सारी। एक और फ्रीज, नाइस फ्रीज मैन, देख रहे हो बिल्डर्स कैसे हील कर रहे थे भाई। इनकी एबिलिटी आ चुकी है, बुढ़ो की एबिलिटी लेट कर दी थोड़ी, नहीं नहीं सही टाइम पे दे दी है। चलो बारबेरियन किंग के बच्चे बच चुके हैं, मेरे को लगा मर गए होंगे। और इधर एक और चीज है यार, इधर आगे के ट्रैप्स ल्यूर करने के लिए बेबी इन्फर्नो ड्रैगन यूज करते तो है, लेकिन जब क्वीन मारने ही वाली है तो भाई एक दो हेड हंटर और एक ड्रैगन यूज कर लो, क्वीन मर जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि जितना वो सामने वाले ट्रैप ट्रिगर करने के लिए, जैसे कि सीकिंग एयरमाइन हो गया, रेड बॉम्ब्स हो गए, वो ट्रिगर करने के लिए ज्यादातर लोग यूज करते हैं बेबी इन्फर्नो ड्रैगन, सॉरी ड्रैगन राइडर, लेकिन वो ट्रैप्स से ज्यादा क्वीन डैमेज देती है, तो क्वीन को ही मारो ना सबसे पहले। ये तो भाई बर्बाद हो गया, तो ये भाई का अटैक, क्वीन चार्ज तो इनका तगड़ा जा रहा है, अभी भी क्वीन पे एबिलिटी है, एक फ्रीज है, क्वीन निकाल लेगी आराम से पूरा बेस, पर भाई टाइम नाम की भी कोई चीज होती है, तो वो तो ये भाई के फेवर में अभी है नहीं। तो इधर गाइज ये वाला अटैक फेल तो है भाई, अरे क्या जरूरत थी भाई इधर फ्रीज करने की, कोई जरूरत नहीं थी भाई, बेस्ट हो गया फ्रीज, इधर करना चाहिए था फ्रीज स्पेल, एटलीस्ट क्वीन की एबिलिटी तो बच जाती। ये तो गाइज नहीं हुआ,
ये तो फेल हो गया गाइस, लेकिन वॉर तो हम लोग जीत चुके हैं क्योंकि पहले 3 अटैक्स हमारे ट्रिपल आ गए थे। और देखते हैं गाइस अभी क्या होता है, लेकिन भाई परसेंटेज खींच के ले गए भाई 90 के ऊपर, 93 ये आया, 94, अरे रे रे गोहिल का 95 था, ये भाई का 94, गजब गाइस। और गाइस हम लोग वॉर जीत चुके हैं क्योंकि एनिमी 3 स्टार भी करेगा तो 12 ही स्टार्स होंगे। तो भाई ये था आज का हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक और ये थी हमारी वॉर। तो बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।